साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर अक्किनेनी नागार्जुन देश के सबसे लोकप्रिय हस्तियों में से एक हैं, जिनके कार्य और जीवन का लोगों ने बारीकी से पालन किया है। और एक ये बात ही दर्शाती है कि लोग इनकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हर एक छोटे छोटे से पहलू के बारे में भी अच्छे से जानते हैं। यूँ तो आज सभी इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सब कुछ ही जानते हैं, लेकिन आज भी इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातों से हर कोई अनजान है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस मशहूर शख्सियत ने अपने जीवन में एक नहीं बल्कि दो शादियां की हैं? जी हाँ, ये एकदम सच बात है कि इन्होंने दो शादियां की हैं, जिनमें से एक सफल रही तो एक असफल। तो इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको नागार्जुन अक्किनेनी की पहली और दूसरी शादी की दास्तान के बारे में बताने वाले हैं। इनकी दोनों पत्नियों से आपको रूबरू भी करवाने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इनकी दो शादियों की दास्तान के बारे में, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और साथ ही साथ नागार्जुन के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साउथ स्टार यानी कि अक्किनेनी नागार्जुन का जन्म 29 अगस्त 1959 को मद्रास में हुआ था, और इसीलिए इनकी सारी पढ़ाई भी यहीं से पूरी हुई है। अगर बात करें इनके अभिनय करियर के बारे में, तो इन्होंने साल 1986 को तेलुगु फिल्म विक्रम में बतौर मुख्य अभिनेता काम किया था, और इस फिल्म के साथ साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, जिसके बाद इन्होंने मजनू, संकीर्ताना और कलेक्टर गरी अलबाई जैसी कई साउथ की फिल्में की और वहां से एक बड़े सुपरस्टार बन गए। जिसके बाद इन्होंने साल 1990 में फिल्म शिवा से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। खुदा गवाह, अंगारे और जख्म जैसी कई हिट फिल्में दी। वहीं वर्तमान में भी ये फिल्म इंडस्ट्री में कंटिन्यू किए हुए हैं और अपनी आने वाली हिंदी फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग में बिजी हैं। लेकिन वही बात करें नागार्जुन की दोनों शादियों के बारे में, तो आपको बता दें कि आज ये अपनी दूसरी पत्नी अमाला अक्किनेनी के साथ ही खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं, जो कि साउथ की एक मशहूर अदाकारा रह चुकी हैं और उन्होंने ही साउथ इंडस्ट्री में बेहतरीन फिल्में दी हैं। वहीं बात की जाए दोनों की लव स्टोरी के बारे में, तो बता दें कि आज से 28 साल पहले नागार्जुन का और अमाला की मुलाकात एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। उस फिल्म में दोनों ने एक दूसरे के ऑपोजिट काम किया, और उसी फिल्म में एक दूसरे के साथ काम करते करते ही दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे, जिसके बाद दोनों ने ही साल 1992 में शादी कर ली थी। हर बाद में एक बेटे अखिल के माता पिता भी बने। इसी तरह आज शादी से 28 साल बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अमाला अक्किनेनी को अपना हमसफर चुनने से पहले इन्होंने लक्ष्मी दगुबति को अपना हमसफर चुना था, जो कि एक एक्टर दगुबति वेंकटेश की बहन है, जिनसे ये काफ़ी अच्छे दोस्ती भी रखते हैं। लेकिन उनके जरिए इनकी लक्ष्मी से भी मुलाकात होती रही थी, जो आगे चलकर प्यार में तब्दील होती गई, और इस तरह से दोनों ने अपने परिवार की सहमति के साथ ही साल 1984 को शादी कर ली, और शादी के कुछ ही सालों बाद एक बेटे नागा चैतन्य के माता पिता भी बन गए। लेकिन दोनों की शादी एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग ना होने के चलते ही आपसी मतभेद के होने के कारण ज़्यादा समय तक चल नहीं पाई, और इसीलिए शादी के 6 सालों बाद ही दोनों ने तलाक लिया और अलग हो गए। लेकिन उनसे तलाक लेने के 2 साल बाद नागार्जुन की जिंदगी में अमाला अक्किनेनी ने कदम रखा था, जिनके साथ आज भी एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। लेकिन उनके साथ भी इनकी शादीशुदा जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया था जब उनसे भी इनकी शादी टूटने की कगार पर आ गई थी। वो समय था जब ये शादीशुदा होने के बावजूद एक्ट्रेस तबू के प्यार में बढ़ गए थे। उस दौरान तो दोनों ने एक साथ कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, और उसी दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए थे। हालांकि 10 सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी दोनों की शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि ये अपनी दूसरी शादी नहीं तोड़ना चाहते थे। वेल दोस्तों, आपको क्या कहना है इनकी दोनों शादियों के बारे में? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही साथ ऐसे ही साउथ इंडस्ट्रीज के स्टार्स के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए आप हमारे वीडियो के लाइक करना ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें।